टॉप फोर बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीज। अगर आप भी आज के समय पर अपने लिए अच्छा खासा ऑलराउंड स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स, तगड़े कैमरास और तो और 5G का सपोर्ट भी मिले, सो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर Redmi की तरफ से आने वाले Redmi 13 5G की। बात करें इस फोन की, ये फोन आपको बिल्कुल भी Redmi 12 5G की तरह ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है और फ्रंट और बैक में आपको ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 8.2 mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है, सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, इसी के साथ में आपको यहाँ पर IP53 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और इसके अलावा 550 निट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। सो इनडोर में फोन को यूज करने में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की थोड़ी सी शिकायत देखने को मिल सकती है। रही बात यहाँ पर गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेंगे दो कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है सैमसंग के ISOCELL HM6 सेंसर के साथ में। और देखा जाए तो ये सेंसर काफी कमाल का है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर F1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती है, तो फोटोज में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का एक्सेलरेटेड वर्जन, जो कि AnTuTu पर लगभग 4.5 लाख स्कोर करता है। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक अच्छे स्कोर है, जो कि आपको मीडियम लेवल पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। इसी के साथ में LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस पॉइंट फोन का यहाँ पर अच्छा है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5030mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 33W चार्जिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट, और सबसे अच्छी बात कि आपको चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफ़ी आराम से मिल जाएगा, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। रही बात यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जो कि आपको डिसेंट आउटपुट भी दे देते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें, ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 बेस हाइपर OS के साथ में। हालांकि यहाँ पर थोड़े मोड़े अब भी ब्लॉटवेयर हैं, लेकिन आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और इसी के साथ में कंपनी ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप Redmi की तरफ से कोई नया 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपये, जो कि लगभग 10 से 12,000 रुपए के अंदर अपने लिए एक तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पर Realme का 12X 5G। बात करें फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों डिजाइन और लुक आपको Realme 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा IP54 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की,
तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। इन सभी के अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप देखा जाए तो फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात लो लाइट की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,18,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक अच्छे स्कोर है। तो डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है One UI का 5.0। और साथ ही साथ यहां पर Realme ने ये भी प्रॉमिस किया कि आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, यहां पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों आपको यहाँ पर ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए तक का ऑफ मिल रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को 11,000 रुपए की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम चाहिए तो आप स्मार्टफोन के 6 और 128 वाले वेरिएंट को भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 13,499 रुपए की कीमत पर। ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन भी दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर Vivo की तरफ से आने वाला Vivo का T3X 5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि पिछले Vivo T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है, और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई, और अच्छी बात यह है कि Vivo T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती, जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं, फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है, वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OIS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम Vivo T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला है काफी कमाल का चिपसेट है। ये अंततः पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर Adreno 710 का GPU देखने को मिल जाता है, तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है,
और हाँ भाई, वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया। और हाँ, आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच ओएस 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ भी ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप यहाँ पर iQOO का Z9X स्मार्टफोन भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी Vivo T3X की तरह ही देखने को मिलेगा, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी निकाल कर देता है। और ये स्मार्टफोन यहाँ पर मोटो का G64 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बेल्ट पर मिल जाता है। बेल्ट क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। साथ ही साथ ये फोन 8.9 mm की थिकनेस और 192 grams के साथ में आता है। सो देखा जाए तो ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा बल्कि भी नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर फोन की अच्छी है, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, जैसा कि हमें मोटो के G54 में देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलते। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको डेप्थ और मैक्रो फोटो खींचने में भी काफी मदद करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग एक कंप्लीट सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस मीटर एक डायमेंसिटी 7025 का चिपसेट, जिसे अगर हम कंपेयर करें मोटो G54 से तो यहाँ पर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है। यहाँ पर ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो मीडियम लेवल की गेमिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 30 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है। और आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्यूनिंग आपको मिल जाएगी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में 1 5G SIM या फिर 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है मोटोरोला का MyUX का सपोर्ट, लेकिन इस बार आपको थोड़े से ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको 3 साल के और भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की,
सो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। बट अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अप्लाई करके ये फोन इफेक्टिवली आप 14,000 रुपए कीमत पर परचेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।